मुझे उनकी खास बात ये लगती है, पहली बात तो ये है कि वो अंदर से बहुत कड़क है, मतलब वो किसी बात से डरते नहीं, क्योंकि वो बड़े सच्चे आदमी हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जिस जगह पे वो हैं, वो एक कवि हृदय इंसान है, उनका मन कवि का है। तो शायद राजनीति और कवि और संगीत ये मिलती हुई चीज़ें नहीं हैं, उनको बहुत सी चीज़ें ऐसे करनी पड़ती होंगी जो शायद उनको अच्छी नहीं लगती होगी। किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता है, और मैं उनके घर पे भी गई हूँ एक बार, पर वो बात करते वक्त हमेशा ये कहते थे कि हाँ ये ठीक नहीं है, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होता तो ठीक होता। मैं उनकी तरफ जो देखती रही हूँ, जैसे बड़े गुलाम अली खान साहब का गाना सुनते वक्त हमें खुशी होती थी, हम लोग कहीं भी हो वहाँ पहुँच जाते थे, वैसे जब कभी मालूम होता है कि अटल जी यहाँ बोलने वाले हैं, तो उनकी हिंदी, उनके विचार सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी मुझे वो कहीं बोलते हैं तो मैं बिल्कुल वहाँ बैठ के सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बात तो मुझे मैं खुद बहुत जाके मिलना वगैरह मैं करती नहीं हूँ, पर एक बार मैंने उनको बहुत तंग किया जब हमारे हॉस्पिटल का ओपनिंग था, तो मैं उनको बार बार फ़ोन करती रही, और आखिर में उन्होंने मुझे डेट दी, और डेट देने के बाद कहा, जब वो वहाँ पहुँचे तो मुझे कहा कि आपने आखिरकार मुझे पकड़ ही लिया है। पर वो आके बोले, उसका मुझे अभी तक मतलब वो बात याद है, उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर हॉस्पिटल खोले ये बात मुझे कुछ जची नहीं, इनको चाहिए कि कुछ म्यूज़िक के लिए करें, कोई ऐसा स्कूल बनाएं या कुछ इस तरह का काम करें जिससे म्यूज़िक का प्रचार हो। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी। पर दूसरी बात ये भी थी कि हॉस्पिटल तो हमने बनाना ही था, उसमें लोक सेवा है, इसलिए हमने वो किया था। उनकी एक बात शायद मेरे साथ मिलती है, और वो बड़े देशभक्त हैं और मैं भी बहुत बड़ी देशभक्त हूँ, और देश के लिए कुछ भी करने के लिए मेरा मन हमेशा तैयार रहता है।